जब मैं बिग बॉस का एपिसोड देख रही थी तो मुझे उसमें एक चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और ये चीज थी सोनाली फोगाट और परमिला जी। परमिला कौन है? निकी तांबोली की मदर। आखिरकार क्या ऐसा हुआ जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा और जो मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। मैं आपको बता दूं, बिग बॉस के घर में चल रहा है फैमिली वीक। बिग बॉस के घर में कल के एपिसोड में आपने देखा कि सबसे पहले आती है निकी तांबोली की मदर परमिला जी। अब परमिला जी की एंट्री होती है, निकी तांबोली उनसे मिलती है, काफी इमोशनल हो जाती है, काफी रोते हुए नजर आती है, वो उन्हें समझाती है, वो उन्हें ये भी कहती है कि कोई ना कोई धोखा जो है वो धोखा देगा ही देगा, क्योंकि सब जो है यहाँ पे गेम खेलने आए हैं, तो तरह तरीके की बातें समझा जाती है। फिर बारी आती है इस बात की कि आखिरकार राखी सावंत और सोनाली फोगाट में से वो किसको वोट देना चाहेंगी कैप्टन बनने के लिए। अब यहाँ पर निकी तांबोली की मदर परमिला जी ने वोट दे दिया राखी सावंत को, और जैसे ही सोनाली फोगाट ने ये बात सुनी कि राखी सावंत को वोट मिल चुका है, सोनाली फोगाट का जो रिएक्शन था वो मुझे नहीं पसंद आया, क्योंकि यहाँ पर वो बोलती है कि बेटी तो बेटी माँ भी खेल गई। तो जिस तरीके से उन्होंने ये बात एक बार नहीं बल्कि बार बार बोली है कि मतलब माँ भी खेल गई, माँ भी खेल गई, मतलब ये जो उन्होंने बात बोली है यार, उनकी चॉइस है, उन्हें वोट करना है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। अर्शी खान के सामने भी जब उन्होंने इस बात को कहा तो अर्शी खान ने भी कहा कि अरे देखो माँ को लेके कुछ मत बोलो, वो माँ है। और तो यहाँ पर वो सोनाली फोगाट कहती कि नहीं मैं ऐसा कुछ गाली वाली थोड़ी ना दे लूं, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ कि मतलब बेटी तो बेटी माँ भी खेल गई। अब आप लोगों को बताना है कॉमेंट सेक्शन में, आप लोगों को भी ये बात गलत लगी है या नहीं, वह राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।